हाय एवरीवन, नया साल के लिए सबको मेरे तरफ से शुभकामना है। सो, आज माइकोम रिले का फॉल्ट रिकॉर्ड कैसे चेक करना है वो देखेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी में शुरू करते हैं। सबसे पहले माइकोम रिले में जो की दिया है उसको नेविगेशन की बोलते हैं। देखिए, इस नेविगेशन की के डाउन की मदद से हम लोग मेनू के अंदर जा सकते हैं। मैंने डाउन एरो को प्रेस किया, देखिए मेनू के अंदर आ गया। मेनू के अंदर एक ऑप्शन है आउटपुट पैरामीटर, उसके बाद देखिए रिकॉर्ड्स है, उसके बाद देखिए ऑटोमेट कंट्रोल है, उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन G2 है, उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन G1 है, उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन है, उसके बाद देखिए मेजरमेंट है, कॉन्फिगरेशन है, ऑर्डर्स है और आउटपुट पैरामीटर्स है। अब देखिए रिकॉर्ड में आ गया घूम के, क्योंकि हम लोगों को फॉल्ट रिकॉर्ड चेक करना है इसलिए हम लोग को रिकॉर्ड के अंदर जाना है। तो मैंने डाउन एरो को प्रेस किया, देखिए रिकॉर्ड के अंदर चला आया गया। देखिए रिकॉर्ड के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए CV मॉनिटरिंग है, रोलिंग डिमांड है, टाइम पिकअप वैल्यू है, डिस्टर्बेंस ऑर्डर है, इंस्टेनियस है, फॉल्ट रिकॉर्ड है। क्योंकि हम लोग को फॉल्ट रिकॉर्ड चेक करना है इसलिए उसके अंदर जाना है। मैंने डाउन एरो को प्रेस किया, देखिए रिकॉर्ड नंबर 25। इस रिले में 25 तक नंबर काउंट होता है। 25 का मतलब होता है करंट वैल्यू, करंट जो फॉल्ट है, तो 25 करंट फॉल्ट है। मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, देखिए फॉल्ट टाइम का अंदर चल दिखा शो हो रहा है। उसके बाद देखिए डाउन एरो प्रेस किया, फॉल्ट डेट शो हो रहा है। उसके बाद देखिए एक्टिव सेट ग्रुप वन का फॉल्ट डिटेक्ट किया। उसके बाद देखिए फॉल्टेड फेजेस नान, क्योंकि किसी कुछ फेज में फॉल्ट नहीं हुआ इसलिए नान है। देखिए थ्रेशोल्ड है REM, रिमोट ट्रिप है, रिमोट ट्रिप से इस रिले को ट्रिप किया। फिर देखिए मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे क्रॉस करके आया है क्योंकि इस रिले ने कुछ मैग्नीट्यूड डिटेक्ट नहीं किया। उसके बाद देखिए ए फेज का मैग्नीट्यूड है 0, देखिए बी फेज का मैग्नीट्यूड है 0, सी फेज का मैग्नीट्यूड है 0, न्यूट्रल का 0.3 एम्पियर है। फिर फॉल्ट रिकॉर्ड में आ गया घूम के, एक साइकिल की तरह फॉल्ट रिकॉर्ड में आ गया। अब इधर देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में क्रॉस है। अगर इस रिले में कुछ फॉल्ट डिटेक्ट करता RYB फेज या न्यूट्रल में तो यहाँ पे शो होता। ये रिले इस फॉल्ट की वजह से टिप नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। देखिए अभी तो मैं करंट फॉल्ट के बारे में बता दिया, अगर करंट फॉल्ट से पहले भी तो फॉल्ट हुआ था उसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड नंबर के जाके यहाँ पे 25 है उसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए हम लोग को एंटर प्रेस करना पड़ेगा। एंटर प्रेस किया, फिर डाउन एरो की मदद से इसको 24 किया, फिर एंटर कर दिया। फिर देखिए डाउन एरो प्रेस करके सारा 24 नंबर का रिकॉर्ड का वैल्यू शो हो रहा है। अगर आप फॉल्ट रिकॉर्ड शो होने के बाद आपको डिफॉल्ट डिस्प्ले में जाने के लिए आपको कंटिन्यूअसली C प्रेस करने से डिफॉल्ट डिस्प्ले में चला गया। देखिए डिफॉल्ट डिस्प्ले में हम लोग पहुंच गए। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे फॉल्ट रिकॉर्ड चेक करना है। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे नया नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू।